नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। जनपद बलरामपुर के उतरौला 293 विधानसभा सीट से भावी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी व समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल जनवादी पार्टी को सोशलिस्ट से संयुक्त उम्मीदवार हसीब खान ने मीडिया प्रभारी देवी पाटन मंडल हकीम आजाद के साथ बलरामपुर जनपद प्रभारी प्राइम न्यूज 24 से राजेंद्र प्रताप देवगिरी के साथ बातचीत की। हसीब खान ने कहा कि उतरौला विधानसभा में कोई अच्छा अस्पताल नहीं है। अगर मैं चुनाव लड़कर एमएलए बना तो सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज जैसा अस्पताल स्थापित करूंगा, क्योंकि छोटी छोटी बीमारियों के लिए लोग शहर में भाग जाते हैं, परंतु जिनके पास पैसा नहीं है और वे आर्थिक स्थिति में इस तरह से नहीं है कि वो मुंबई दिल्ली लखनऊ जाकर दवा करा सके, वे बेचारे इलाज के अभाव में तड़प तड़प कर मर जाते हैं। अगर हमारी सरकार आती है तो स्वास्थ्य सुविधाओं को सबसे प्रायोरिटी बेस पर रखा जाएगा। यहाँ पर सड़कें बदहाल हैं, सड़कों को नए सिरे से बनवाया जाएगा। यहाँ पर अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में बलरामपुर जिला सबसे बहुत पिछड़े में है। हमें तो कहते हुए शर्म आती है कि यहाँ से बलरामपुर से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाता होने के बावजूद इसका विकास नहीं हुआ। सन 1957 में अटल बलरामपुर लोकसभा से चुनाव जीत कर संसद पहुंचे थे। अटल जी कई वर्षों तक बलरामपुर की राजनीति में सक्रिय रहे, किसी ने कोई भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे उतरौला विधानसभा में स्वास्थ्य की सबसे पहले प्रायोरिटी बेस पर व्यवस्था की जाएगी। हमारी सरकार की नीति एकदम स्पष्ट है। हमारी सरकार पहले भी जब 2012 में बनी, हमने जो एक एक्सप्रेस हाईवे दिया, लोग हाईवे एक्सप्रेस वाले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को आज भी याद करते हैं। हमने जो मेट्रो दी, आज भी उस मुख्यमंत्री को याद किया जाता है। अखिलेश यादव ने माँ बहनों की सुरक्षा के लिए 1090 चालू की थी, कोई मुसलमान के लिए ना, कोई हिंदू के लिए ना, किसी दलित के लिए ना, किसी शोषित के लिए। कोई भी फोन करे सबको सहायता मिलती है। अखिलेश यादव ने सभी वर्गों के लिए जो भी कार्य किया है, आगे भी अगर उनकी सरकार आएगी तो हमारी योजनाएं सभी के लिए होगी। अगर हम यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल देंगे तो उसमें हर वर्ग को इलाज मिलेगा, ना कि किसी विशेष वर्ग को। प्राइम न्यूज 24 से राजेंद्र प्रताप देवगिरी की रिपोर्ट। परेशान है, छोटी छोटी बीमारियों के लिए बड़े बड़े शहरों में भाग जाते हैं, परंतु जिनके पास पैसा नहीं है, जो आर्थिक स्थिति में इस तरह से नहीं है कि मुंबई दिल्ली लखनऊ में जाके इलाज करा सके, वो बेचारे बिना इलाज के लिए ही तड़प के मर जाते हैं। तो ऐसा अब आगे नहीं होगा। अब लोगों को अगर हमारी सरकार आती है तो स्वास्थ्य सुविधा सबसे प्रायोरिटी बेस पे रखा जाएगा, यहाँ पे दिया जाएगा। सड़कें बदहाल हैं, सड़कों की हालत खराब है, यहाँ पे अच्छी शिक्षा की भी व्यवस्था नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में बलरामपुर जिला सबसे पिछड़ों में, हमको शर्म आती है कहते हुए कि यहाँ से बलरामपुर से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी तक के प्रधानमंत्री बने, परंतु किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे उतरौला विधानसभा में स्वास्थ्य की सबसे पहले प्रायोरिटी बेस पे यहाँ पे कुछ व्यवस्था की जाएगी, शिक्षा के लिए किया जाएगा। सर जी, हमको ये बताइए, मान लीजिए आपके समाजवादी पार्टी की 2022 में चुनाव में विजय प्राप्त कर रही है, जीत रही है, तो आपके सरकार की क्या नीति होगी? हमारी सरकार की नीति एकदम स्पष्ट है। हमारी सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार, पहले भी 2012 में जब बनी, हमने जो एक्सप्रेस हाईवे दिया, लोग आज एक्सप्रेस हाईवे वाले मुख्यमंत्री को याद कर रहे हैं। हमने जो मेट्रो दिया, आज उस मुख्यमंत्री को याद किया जा रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी ने माँ बहनों की सुरक्षा के लिए जो 1090 चालू किया, आज भी किसी विषय, किसी जाति को लेके नहीं कि कोई मुस्लिम के लिए, किसी हिंदू के लिए, किसी दलित के लिए, किसी शोषित के लिए, किसी वंचित के लिए, कोई भी कॉल करे सबको सुविधा मिलती है, सबको सहायता मिलती है। माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा सभी वर्गों के लिए जो भी कार्य किया है, सभी वर्गों के लिए किया है, और आगे भी हमारी सरकार आएगी तो बिना किसी संकोच के मैं कह रहा हूँ कि सभी वर्गों को एक समान ऐसा कोई जो व्यवस्था होगी सभी वर्गों के लिए, कोई स्पेशली कोई अल्पसंख्यक के लिए कोई ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, ना ही किसी विशेष वर्ग के लिए। जो कुछ हमारी योजनाएं होंगी सभी के लिए होगी। अगर हम यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देंगे तो उसमें हर वर्ग को इलाज मिलेगा, ना केवल कोई विशेष वर्ग को। मैं 293 विधानसभा क्षेत्र गांव-गांव में चल रहा हूं, समाजवादी पार्टी की काफी बोलबाला है। मैं मंडल प्रभारी हकीम आजाद के साथ राजेंद्र प्रताप देवगिरी, जनपद बलरामपुर, जी ब्यूरो की रिपोर्ट।